हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडोज रजिस्ट्री क्या होती है। विंडोज रजिस्ट्री एक डेटाबेस होता है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के इंफॉर्मेशन को रखती है। इसके साथ साथ यूजर के इंफॉर्मेशन को भी रखती है। रजिस्ट्री में वैल्यूज होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्री विंडोज 3.1 में यूज किया गया था। इसके बाद आज के समय में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, हालांकि एक्सपी तो नहीं यूज होता है, एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, हम सभी के अंदर रजिस्ट्री का यूज किया जाता है। रजिस्ट्री जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं सभी की इंफॉर्मेशन को रखता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी की इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन को रखता है। आप रजिस्ट्री का यूज करके उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। रजिस्ट्री को कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए आपको विंडोज और आर प्रेस करना होगा। जैसे विंडोज और आर प्रेस करेंगे रन खुल जाएगा और वहां पर जाके आपको टाइप करना होगा REGEDIT रजिस्ट्री एडिट और ओके करेंगे, रजिस्ट्री एडिटर खुल के आ जाएगा। लेकिन इसमें मैं बात बता दूं कि रजिस्ट्री एडिट को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसको इसमें सेटिंग्स होती है और इसको बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, और कभी भी इसमें कुछ भी सेटिंग करने से पहले उसका बैकअप रख लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी एरर होता है तो हम उसको फिर से बैकअप रिस्टोर करा करके अपने सेटिंग को पुनः वापस पा सकते हैं।